गोभी के कोफ्ते अगर इस तरीके बनाएंगे तो उंगलियां चाटते रह जाएंगे। तो आइए इन्हें बनाना शुरू करते हैं। ये कैसे बनेगा, किन किन सामान की जरूरत पड़ेगी? प्रिय दर्शकों, ममता किचन रेसिपी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम गोभी के कोफ्ते बनाएंगे बहुत ही स्वादिष्ट कम समय में। तो आइए सामग्री बताते हैं। सामग्री में हमने गोभी ले लिया है, गोभी को अच्छी तरीके फूल गोभी को धुल लिए हैं, बेसन ले लिए हैं, साबुत धनिया है, मसालों में हमने ये धनिया और ये जायफर है, जायफर पूरा नहीं डालना है, थोड़ा काट लेते हैं, इतना डालेंगे। एक बड़ी इलायची, 6-7 काली गोल मिर्च, 1 चम्मच जीरा, इसे पीपली बोलते हैं, ये देखिए, 2 छोटी इलायची, 5 लौंग, थोड़ा जावित्री, थोड़ा दालचीनी ले लिए हैं। इन मसालों को इकट्ठा कर लेते हैं, अभी इनको पीस लेंगे। 3 बड़े साइज हमने टमाटर ले लिया है, 3 मीडियम साइज हमने प्याज ले लिया है, 1 सादा है प्याज का, अदरक ले लिए हैं, अदरक इतना डालेंगे, 5-6 कलियां लहसुन का ले लिए हैं छिलका उतार के, 3 हरी मिर्च डाल रहे हैं। तो आइए सबसे पहले गोभी को कद्दूकस कर लेते हैं, आप चाकू की सहायता से भी महीन कर सकते हैं। इस तरीके कट लगाएंगे, ग्राइंड कर लेते हैं, आप इस तरीके भी ग्राइंड कर सकते हैं, इसे फूल पकड़िए बड़ा फूल ऐसे, ये देखिए इस तरीके बढ़िया महीन हो जाएगा। गोभी को हमने कद्दूकस कर लिया, ये देखिए बिल्कुल महीन हो गया है। तो अब सबसे पहले हम मसाले पीस लेते हैं। लहसुन भी साथ में पीस लेते हैं, अदरक भी छोटे टुकड़े कर लेंगे, मसालों के साथ पीस लेंगे। थोड़ा पानी डालकर इस तरीके पीस लेते हैं महीन। मसाले हमने पीस लिया है, अब हम प्याज काट लेते हैं। प्याज हमने काट लिया है, हरी मिर्च काट लेते हैं, हरी मिर्च भी काट लिए हैं, प्याज का सागा भी काट देते हैं। अब हम इनको मिलाएंगे, अच्छी तरीके हमने मिला दिया है, अब थोड़ा पानी डाल देते हैं। ये हमने अच्छी तरीके मिला दिया है, आइए अब इन्हें छानते हैं। गोभी और बेसन में थोड़ा नमक डालकर मिला लेते हैं। तेल काफी गर्म हो चुका है, इनको चारों तरफ फैला देते हैं ताकि पकौड़े चिपके ना। इस तरीके पकौड़े बना लेते हैं। चम्मच की सहायता से इनको पलट देते हैं।
ये हमने सभी पकौड़ियाँ पलट दी है। अब बड़ी कलछुल से चलाएंगे। बढ़िया, कलर चेंज हो गया है, सुनहला कलर। ये देखिए, इनको निकाल लेते हैं थाली में। इसी तरीके सभी पकौड़े बना लेंगे। इनको भी पलट देते हैं। ये भी बढ़िया से पक गया है, अब इनको भी निकाल लेते हैं। ये देखिए, हमने सभी पकौड़े छान कर तैयार कर लिया है। गैस फ्लेम लो कर देते हैं और सरसों का तेल निकाल लेते हैं। यही कढ़ाई में बनाएंगे, यही तेल में बनाएंगे। ये इतना तेल हमने बचा लिया है। कटी हुई प्याज, हरा मिर्च डाल देते हैं। गैस फ्लेम हाई कर देते हैं। तेज पत्ता डाल देंगे तोड़कर। काफ़ी बड़ा था तेज पत्ता, इसलिए हमने दो टुकड़े कर दिए हैं। टमाटर काट लेते हैं महीन टुकड़े। प्याज हमने बढ़िया से भून लिया है, बढ़िया कलर चेंज हो गया है। अब मसाले डाल देते हैं। एक चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे। मसालों को अच्छी तरीके भून लेंगे मीडियम फ्लेम में। मसाला बढ़िया तरीके से भून चुका है। कटे हुए टमाटर डाल देंगे। स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। अच्छे से मिलाएंगे। अब इनको ढक देंगे 2 मिनट के लिए, ताकि टमाटर बढ़िया से गल जाए। 2 मिनट हो चुके हैं, ढक्कन हटाएंगे। टमाटर बढ़िया तरीके से गल चुका है। ये देखिए, पककर तैयार हो गया है। इस तरीके मसल देंगे कलछुल से। अब इसमें पानी डाल देते हैं। पानी अपने हिसाब से डालिए, कम ज़्यादा। अब इनको 5 मिनट के लिए हाई फ्लेम में रख देंगे, ताकि उबाल आ जाए। 5 मिनट हो चुके हैं, ढक्कन हटाएंगे। उबाल आने लगी है, अब इसमें पकौड़े डाल देते हैं। मिला देते हैं 2 मिनट के लिए। 2 मिनट हो चुके हैं, ढक्कन हटाएंगे। बढ़िया से पककर तैयार हो गए हैं कोफ्ते। गैस का फ्लेम बंद कर देंगे। अभी इनको सर्व नहीं करेंगे, अभी ये अंदर तक सीझेगा तभी सर्व बढ़िया करेंगे। हरा धनिया डाल देते हैं, इनको भी मिला देते हैं। 2 से 3 मिनट के लिए ढककर रख देंगे। ये देखिए, बहुत ही बढ़िया बनकर तैयार हुआ है कोफ्ता। बहुत ही बढ़िया खुशबू भी आ रही है। हमने खड़े मसालों का प्रयोग किया है। तो आज की रेसिपी कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में ज़रूर से ज़रूर बताइए। कोई गलतियाँ हो माफ़ करिए।
अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन दबाना ना भूलिए ताकि हर वीडियो अब तक आसानी से पहुंचे। 5 मिनट बाद हम सारो करेंगे। चावल और रोटी ले लिए हैं, ये देखिए कोफ्ता कितना बढ़िया अंदर तक सीज चुका है। इस तरीके गोभी के कोफ्ते आप जरूर से जरूर बनाइए और कमेंट बॉक्स में बताइए ये कैसे बना है। बहुत ही बढ़िया टेस्टी बनकर तैयार हुआ है। इस कोफ्ते में अंदर तक रसा भरा हुआ है, ये देखिए नज़दीक से दिखा रहे हैं, बहुत ही बढ़िया। एक बार बनाएंगे तो आप बार बार बनाएंगे, बार बार बनाकर खाएंगे। तो मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। हमारी रेसिपी शुरू से लास्ट तक देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।